नमस्ते बच्चों, आज की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपना नया पाठ जिसका नाम है पाठ 9 बुलबुल को शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, क्योंकि हम लोग इस पाठ को पिछली कक्षाओं में अपने पढ़ चुके हैं और इस पाठ में हमने क्या देखा है कि इस पाठ में हमें बुलबुल के बारे में बताया गया था कि बुलबुल की क्या पहचान होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे घर के आंगन में जो चिड़िया चहचहा रही है वो बुलबुल है या कोई और है, और बुलबुल क्या खाना पसंद करती है ना, बुलबुल का घोंसला कैसा रहता है, ये सब हमें इस पाठ में बताया गया था कि बुलबुल की पहचान हम कैसे करेंगे अगर कोई चिड़िया हमारे घर के आंगन में तेज आवाज में चहचहा रही है तो उसकी पहचान बुलबुल है या नहीं, ये हम करेंगे। ये हम उसको देख करके ऐसे पता लगाएंगे कि अगर उस चिड़िया के पंख के नीचे है ना, उस चिड़िया के पंख के नीचे अगर रेड कलर का आपको रेड कलर नजर आता है, या जो उसके पंख है, पंख का जो सिरहाना होता है वो अगर आपको सफेद कलर का नजर आ रहा है, चिड़िया जो है वो पूरी डार्क ब्राउन कलर में है, उसका जो सिर है वो ब्लैक कलर में है, तो ऐसी चिड़िया को हम बुलबुल के नाम से पहचानते हैं। और इसमें एक बताया गया है सिपाही बुलबुल। तो सिपाही बुलबुल की पहचान क्या होती है, सिपाही बुलबुल के सर में कलगी होती है। जैसे हमने मोर के ऊपर देखा है कि मोर के सिर में कलगी बनी होती है, ऐसे ही सिपाही बुलबुल के सर में भी कलगी बनी होती है, और उसके गले में एक नीले धारी का एक निशान होता है जिससे हमें ये पहचान में आता है कि ये जो बुलबुल है ये सिपाही बुलबुल है। दूसरा, बुलबुल जो रहती है वो क्या खाना पसंद करती है, बुलबुल कीड़े मकोड़े खाना पसंद करती है, फलों सब्जियों को फलों को खाना पसंद करती है, और ये हमारे अमरूद के और मटर के बाग में घुस करके तो बहुत ही आनंद उठाती है। मतलब इसको अमरूद और मटर दोनों ही खाना क्या है, बहुत ज्यादा पसंद है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ का अपने अभ्यास प्रश्नों की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो चलिए से हम शुरू करते हैं। आपको जो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, तो बच्चों आप अपनी कॉपी में नोट करने से पहले डेट जरूर डाला करिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका आज का क्लास। हमारा पहला प्रश्न है कि बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है, तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है। तो बच्चों, हमारा घर किन किन चीजों से बना होता है, हमारे घर को बनाने के लिए ईंटे की, सीमेंट की, लकड़ी की, लोहे की, इन सब की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा घर ईंट, पत्थर, सीमेंट, इत्यादि से मिलकर बनता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, तुम्हें क्या पसंद है। तो बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, हम उत्तर में लिखेंगे सब्जी,
खाना, पसंद, करती है। अब इसका जो दूसरा प्रश्न है कि तुम्हें क्या पसंद है, तो क्योंकि ये बच्चों ये जो प्रश्न है ये आपके अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, तो इसलिए जो इसका सो सेकेंड जो प्रश्न है कि तुम्हें क्या खाना पसंद है, आप इसके आगे अपनी पसंद की चीजों के खाने की चीजों के नाम यहाँ पे लिखेंगे। चलिए अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 में, जो कि सिपाही बुलबुल के 52 से दिया गया है। इसमें आपसे कह रहा है कि सिपाही बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे, तो सिपाही बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहने का क्या कारण है, आइए हम इसको उत्तर लिखते हैं। सिपाही निशान होता है, जिसे बलिदानी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे सिपाही कहते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न की प्राप्त पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बात बताइए, तो इनमें से आप कोई 3 बात क्या लिखेंगे। उत्तर बुलबुल की जो पहली पहचान होती है वो क्या होती है कि बुलबुल के पंख के नीचे लार सिरहाना सफेद रंग का होता है, और बुलबुल जो तीसरी पहचान होती है इसका शरीर
पहचान। तो बच्चों ये थे हमारे आज के अभ्यास प्रश्न जो कि आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है और हमें चेक करने के लिए भेजना है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में अपने अभ्यास प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।